नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल बिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज फिर से लेकर आपके लिए नई वीडियो नई बाइक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं यमाहा के R15 वर्जन 3.0 के बारे में, जो कि मेरे पास डार्क नाइट कलर में। इसमें आपको दो कलर और मिलते हैं जो कि दोनों आते हैं डुअल टोन के साथ। अगर आप चाहेंगे तो उनकी भी वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। अभी लेकिन बात करने वाले डार्क नाइट कलर में। इस वीडियो में बताने वाले इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस भी बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो से या फिर इस बाइक से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, या फिर आपको नीचे एजेंसी का नंबर मिल जाएगा। आप वहां से चाहेंगे डायरेक्ट एजेंसी पर कॉल करके इस बाइक के बारे में फुल डिटेल में जान सकते हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप एजेंसी पर कॉल किया तो ये जरूर बता दीजिएगा आप यूट्यूब से नंबर लेकर कॉल कर रहे हैं, या फिर आप चैनल का नाम भी बता सकते हैं, जिससे कि आपको जो वहां से जानकारी दी जाएगी बिल्कुल सही दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो इसका जो इंजन आपको मिलने वाला है वो आपको मिल जाएगा 155 सीसी का इंजन मिल जाता है। ये बाइक सिंगल सिलेंडर पर वर्क करती है। इसका जो आपको मैक्स पावर मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 19 BHP का 10,000 RPM के साथ। वहीं इसका जो टॉर्क मिलने वाला आपको वो आपको मिल जाएगा 14.7 Nm का 8,500 RPM के साथ। इस बाइक का जो बोर मिलने वाला है वो आपको मिल जाएगा 58 mm का। स्ट्रोक जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 59 mm का। फ्यूल सप्लाई सिस्टम इसमें आपको जो मिलेगा वो आपको मिल जाएगा काफी एडवांस फ्यूल सप्लाई सिस्टम मिल जाता है, जो कि है FIE। और वहीं इसके कूलिंग सिस्टम की बात करें तो वो आपको मिल जाएगा लिक्विड कूल सिस्टम, जो कि काफी अच्छा कूलिंग सिस्टम माना जाता है। ये तो था इस बाइक का इंजन। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के ब्रेक के बारे में। तो वहीं इसका जो फ्रंट ब्रेक आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा डिस्क ब्रेक 282 mm का। ये बाइक डुअल चेन ABS के साथ आती है, तो इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में आपको ABS मिल जाता है। और वहीं इसका जो रियर ब्रेक आपको मिलेगा वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क ब्रेक, जो कि मिलेगा 220 mm का। और वहीं अब बात कर लेते हैं इस बाइक के टायर के बारे में। तो इसका जो फ्रंट टायर आपको मिलने वाला है वो आपको मिल जाएगा 180/17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और वहीं इसका जो रियर टायर आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 140/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। ये तो था इस बाइक का ब्रेक और टायर। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में। तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन आपको मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा टेलोस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन, जो को आपके राइडिंग में काफी ज्यादा कंफर्ट देने वाली है। और वहीं इसके रियर सस्पेंशन की बात करें तो उसमें आपको मिल जाएगा स्विंग आर्म का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको राइडिंग में काफी ज्यादा कंफर्ट देगा और काफी ज्यादा राइडिंग में कंफर्टेबल फील कराएगा। और वहीं अब बात कर लेते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल के बारे में। तो इसका जो मीटर कंसोल आप देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर और ट्रिप मीटर और साथ ही साथ लो फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। और वहीं अब बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो ओवरऑल लेंथ मिल जाता है वो आपको मिल जाएगा 1990 mm का। इसका जो ओवरऑल हाइट मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 1135 mm का। इस बाइक का जो व्हील बेस मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 1325 mm का। और वहीं इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा वो भी काफी अच्छा मिल जाता है, 170 mm का। और वहीं इसका सीट हाइट की बात करें तो वो आपको मिलेगा 815 mm का। इसका जो कार वेट आपको मिल जाता है वो आपको मिल जाएगा 142 kg का। और वहीं अब बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो वो आपको मिल जाएगा 11 लीटर का। ये तो था इसका फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के हेडलाइट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हेडलाइट आप देखेंगे फ्रंट से तो काफी अच्छा लगता है देखने में, काफी एग्रेसिव लुक लगता है देखने में फ्रंट में। लेकिन इसका जो हेडलाइट आपको मिलेगा वो आपको मिल जाएगा LED हेडलाइट मिल जाती है। वहीं इसका जो टेल लाइट मिलेगा वो भी आपको मिल जाएगा LED टेल लाइट। ये तो था इसका फीचर्स और स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में, जो कि काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अगर कहीं भी आप बाइक लेने जाते हैं शोरूम में तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इस बाइक की प्राइस क्या है। तो आपको बता दें इसमें आपको दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है डुअल चेन ABS के साथ और दूसरा आता है एक स्पेशल एडिशन कलर आता है जो कि है डार्क नाइट, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो डुअल चेन ABS आता है, जिसकी प्राइस है 1,40,000 रुपए एक्स शोरूम इलाहाबाद प्रयागराज की प्राइस। और वहीं जो स्पेशल एडिशन आता है डार्क नाइट कलर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है पीछे, उसकी प्राइस है 1,41,000 रुपए एक्स शोरूम इलाहाबाद प्रयागराज की प्राइस। इसमें आपको 2,000 का डिफरेंट मिलता है प्राइस में, क्योंकि जो डार्क नाइट कलर है काफी अच्छा और काफी मतलब स्पेशल एडिशन माना जाता है, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा जो अदर दो कलर आते हैं उसके अपेक्षा 2,000 रुपए ज्यादा दिया गया है। ये तो था इसका स्पेसिफिकेशन और फीचर्स। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के कुछ एडवांटेज के बारे में, जिसकी वजह से ये बाइक खास बनती है। सबसे पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक, जो कि आप देख सकते हैं काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया। अगर आप देखेंगे इस बाइक को, अगर आप बाइक को राइड करें तो आप देखेंगे इसका फ्यूल टैंक काफी बड़ा दिया गया, जो कि काफी अच्छा लुक दे देता है इस बाइक को। और वो इसके नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है इसका पावर। आपको पता होगा कि जो 150 सीसी की बाइक आती है या फिर 155 सीसी के सेगमेंट की जो बाइक आती है उसकी अपेक्षा जो इस बाइक का जो पावर दिया गया है काफी अच्छा दिया गया। इसका पावर काफी मतलब पावरफुल इंजन दिया गया है इसमें, काफी ज्यादा परफॉर्मेंस भी दिया गया है इसमें, ये भी इसका एक एडवांटेज ही है। और वहीं इसके नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है इसका माइलेज। आपको बता दें अगर आप इस बाइक को देखेंगे तो आपको इसका लगेगा ही नहीं ये माइलेज इतना अच्छा दे सकती है, लेकिन अगर आप इसकी माइलेज टेस्ट करेंगे, इसका रियल माइलेज आपको टेस्ट करके दिखाएंगे बहुत ही जल्द, अगर आप इसकी माइलेज के बारे में सुनेंगे तो आपको बिलीव ही नहीं होगा कि ये बाइक इतना माइलेज दे सकती है। अगर आप इस बाइक को सिटी में या फिर ट्रैफिक में मतलब राइड कर रहे हैं तो इसका कम से कम 45 का आपको माइलेज दे देगी, जो कि काफी अच्छी माइलेज मान सकते हैं। और वहीं इसको अगर हाईवे पर राइड करेंगे तो ये 50+ का माइलेज देती है, 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देगी आराम से।
तो ये भी एक एडवांटेज है, क्योंकि ये 150 सीसी में एक ऐसी ही ये बाइक है जिसमें आपको इतना माइलेज मिलती है, बाकी में इतना माइलेज आपको शायद ही किसी बाइक में आपको मिलेगी। और वहीं इसके नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो इसका लुक देख सकते हैं काफी मतलब अच्छा दिया गया, काफी मतलब हाई सेगमेंट की जो बाइक आती है उसकी तरह इसका लुक दिया गया है, एरोडायनामिक लुक दिया गया है। अगर आप इस बाइक को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये बाइक 150 या फिर 155 सीसी की बाइक है। और वहीं इसके नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है इसका स्लीपर क्लच। आपको पता होगा कि जो 150 सीसी के सेगमेंट के जो अदर बाइक आते हैं उस शायद ही किसी और बाइक में स्लीपर क्लच मिलता है, लेकिन इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच दिया गया है जो कि काफी अच्छा कहते हैं इसमें एक एडवांटेज है। और वहीं अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट एडवांटेज की, तो वो है इसका ABS सिस्टम। आपको बता दें जो 150 सीसी के सेगमेंट की जो अदर बाइक आती है उसमें किसी में भी डुअल चैन ABS नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको डुअल चैन ABS दिया गया जो कि काफी अच्छी बात है और काफी इसका एडवांटेज है। इस बाइक को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे एडवांटेज दिए गए जिसकी वजह से आप इस बाइक को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस बाइक का फीचर स्पेसिफिकेशन जो कि आपको बता दिया गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं इस वीडियो से इस बाइक से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बगल में पड़े बेल आइकन दबाइएगा जिससे कि आप आगे वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ, कुछ नए फीचर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।